यादा मेरे वांग सीने नाल ला किथे कोई रोंदा होवेगा। आपको बहुत ही डिफरेंट अंदाज में देखा गया है, आपकी लुक्स में रेड हॉट लुक्स है, ब्लॉन्ड है और बिल्कुल इंडियन थ्रिलर एक्शन मूवी, इसमें मतलब बॉलीवुड की टक्कर की, हॉलीवुड की टक्कर की ऐसी मूवी जो इंडियन थिएटर्स में आ रही है, तो हाउ इज द ओवरऑल एक्सपीरियंस मैम? एक्सपीरियंस बहुत ही धमाकेदार था, धाकड़ था, बहुत ही कमाल था, क्योंकि हमेशा जो फिल्में होती हैं उसमें ऑफ कोर्स लड़ाई तो होती ही है किसी ना किसी तरह की, अपने हक की होती है या किसी तरह की समाज की होती है, लेकिन ये लिटरल लड़ाई मतलब लिटरली लोगों की तोड़ा फोड़ी करना, खून खराबा और इस तरह का पूरा जैसे सुपर हीरो के जैसे निकल के आना, तो उसमें बहुत मज़ा भी आया और मेहनत भी उतनी ही लगी, ये सब कॉम्बैट ट्रेनिंग करनी पड़ी और जैसा कि आप देख रहे हैं कि कोई ऐसी कोई सुपर पावर नहीं है कि हवा में उड़ रहे हैं या कुछ आग से खेल रहे हैं, लात मुक्की वही सब यू नो अपने शरीर से ही सारा काम लेना था, तो वो एक तरह का चैलेंज भी था, लेकिन पूछा जाए तो मज़ा बहुत ज़्यादा आया। And I really want to know, ma'am, कि जब आप इस movie की hype सुन रहे हैं, the song "She's on Fire" it's already viral nowadays. Everybody is making reel on that song. So how's the feeling, ma'am? बादशाह है ही इतने कमाल, उनके गाने सारे इतने सुपर हिट होते हैं और उन्होंने अब मेरे डायरेक्टर जो रेजी घाई हैं उनके साथ मिलकर ये गाना जो हमारी फिल्म को सूट करे, हमारा जो कैरेक्टर है अग्नि उसको सूट करे, इस तरह की कॉम्पोजिशन बनाई है और बहुत लोगों को पसंद आ रही है वो, खासकर यूथ को बहुत ज़्यादा, जैसे आप कह रहे हैं बहुत रील्स बन रही हैं उस पर, तो हम तो बहुत एक्साइटेड हैं कि इतना अच्छा कामयाबी मिल रही है जो चीज़ें हमने की है। एक क्रिस्प बात जो आप ओवरऑल इस मूवी के बारे में बताना चाहें, दिस इज समथिंग रियली रियली वाओ जो आप हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहें। बस यही वाओ वाओ है कि अब समर हॉलीडेज़ हैं, 20 मई को अपनी फैमिली के साथ जाके एकदम मस्ती करिए थिएटर में, क्योंकि ये जो एक सिनेमैटिक ब्लॉकबस्टर होती है उस तरह की इसकी पूरी फील है। पॉपकॉर्न खाएं, समोसे खाएं, दोस्तों को फ्रेंड्स के साथ जाएं और मज़े करें, अब कोरोना खत्म हो गया और इस फिल्म के साथ में सेलिब्रेट करें। लेट्स सेलिब्रेट इट टुगेदर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम यू मैम, आई रियली वॉन्ट टू नो मैम कि जो आपके डायलॉग्स है, उसकी जो आपकी डायलॉग डिलीवरी है वो बहुत ही ज़्यादा सॉलिड वे में है, अगर आप बात कर रहे हैं किसी भी एक डायलॉग की कि इसको एक डैश में कर ले, तो वो जो एक वर्ड आप बोल रहे हैं, जो आपका डायलॉग है, जो अंदाज है, आई रियली वॉन्ट टू नो कि आप हमारी ऑडियंस को वो बताना चाहे कि उस टाइम पे वो क्या फीलिंग थी आपके लिए, क्या आप एक ऐसी चीज शेयर करना चाहे जो ऑडियंस को लगी हाँ इस मूवी को देखने में हम 101% इंटरेस्टेड हैं। सबसे पहला सत श्री अकाल सारियां नूं एंड लवली बीइंग बैक विद इन अ वीक, इट फील्स ग्रेट टू हैव टू बैक टू बैक रिलीजेस एंड टू वेरी डिफरेंट वंस, एंड दोनों के लिए प्यार मिलना उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रोहिणी मेरे लिए बड़ा ही खास रोल है और इसलिए कि बिल्कुल अलग रोल है मेरे जो मैं पहले कर चुकी हूँ। yes. इतना मीन स्ट्रीक है उसके अंदर कि मैं खुद हैरान होती थी कि इतनी मीन कैसे, एंड मज़ा आता था उसके अंदर करके। तो जब रेजी जो हमारे डायरेक्टर हैं वो जब डायलॉग्स वगैरह हम करते थे, ये जो आप शॉट देख रही हैं वो, तो वो कई बार क्या होता है कि दिव्या फिर साइड पर हो जाती है, फिर रोहिणी टेक्स ओवर, एंड रोहिणी क्या करेगी मुझे भी नहीं पता, तो फिर वो मज़ा आता था देख के कि उतरे कि ये भी हो गया ये भी हो गया, लेकिन जब कट होता था तो मज़ा आता था कि समथिंग ब्यूटिफुल हैज़ टर्नड आउट इन द ऑल द कैरेक्टराइजेशंस ऑफ दिस फिल्म, एंड आई मस्ट से आई रियली फील प्राउड टू बिलोंग टू समथिंग एज एक्स्ट्रावेगेंट एज दिस, द बिगेस्ट एक्शन दैट वन कुड हैव सीन, एंड शी इज़ डिलाइटफुली and beautifully done the action, and he, but this is my friend here, we share some really crazy scenes together. Amazing. So ma'am, I really want to know the wow one line experience you need to share with your audience, wow in this about movie jo aapko overall lagta this is something really epic which I really love to share with my audience. What I want to share about Dhakad is action. You won't see this action anywhere else. मतलब ये जो हम जो शूट कर रहे थे जब हमारे मेरे सीन नहीं होते थे तो मैं जाती थी इनको देखने के लिए परफॉर्म करते हुए, तो वो लगता था अरे बाप रे व्हाट आर दे डूइंग, सो दैट एक्शन व्हेन यू सीन जस्ट लाइक दैट आई थिंक इज अ डिलाइट अ विजुअल ट्रीट व्हेन यू वॉच इट। थैंक यू मैम। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम यू सर।
So I'm watching you, sir, over the one-on-one question answer rounds and all. Everything you answered, it's so beautifully. I really want to know the answer behind of your calmness. Aap two strong ladies ko ek saath is movie mein handle kar rahe hain. Everything is going on one face now. We guys are here for the trailer, for the launch, for the XYZ. I really want to know the experience. How are you feeling? I don't have a choice but to be calm. She's on fire. She's on fire. Okay. True, sir. True. If I am not calm, main to jal jaunga. So, no, it's been incredible. And Sat Sri Akal ji, lovely to be here in Chandigarh. And thank you for coming. Ek film bani hai. A film, jo ek bade parde ki film hai, jo bade parde pe hi experience honi chahiye. Aur bahut saalo baad, main bhi bade parde pe aa raha hoon with a film like this. Aur aisi film ki anticipation thi. COVID ki wajah se film release nahi हो पाई. हमने शूट भी की थी, डिले भी हो गई, मगर टेम्पटेशन भी हुआ था प्रोड्यूसर को कि शायद हम इसे डायरेक्टली OTT पे ही डाल देंगे, मगर क्योंकि एक बड़े पर्दे वाली एक्सपीरियंस है और हम चाहते थे कि इस फिल्म के दर्शक जो होंगे वो इसे बड़े पर्दे पे ही एक्सपीरियंस करें, तो एवरीबडी हेल्ड बैक होके बहुत सैक्रिफाइस दिए एंड नाउ इट्स रेडी एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर द फिल्म, द मेकर्स ऑफ द फिल्म. But very excited for Kangana because I think I have a lot of admiration for her work, but she's gone beyond that also. The physical aspect of what she has brought to this part, to this film, to the action that she has, the way she's justified her character is phenomenal. To Divya, क्योंकि इतनी स्वीट सी लड़की इतनी ईवल हो सकती थी, आई हैड नो आइडिया. ओके, मगर अब मुझे लगता है कि वो इमेज तोड़ना दिव्या के लिए भी मुश्किल होगा. एंड आई एम रियली एक्साइटेड फॉर द न्यू एक्सप्रेशंस दैट आई हैव बीन गिवन इन दिस फिल्म एंड द वे आई हैव बीन प्रेजेंटेड, एंड आई थिंक ऑल आवर फैंस विल बी वेरी हैप्पी टू सी ऑल थ्री ऑफ अस इन अ वेरी वेरी डिफरेंट लाइट. द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम यू सर, that is the moment jo aap movie last mein only see but we can have so many questions from the audience as well, but the last question from you is, sir, ek moment hai jo movie mein aap vaas break kar rahe hain Kangana ma'am ke head pe, to wo moment aapke liye kaisa raha, because as you said you are the one who always respect lady, something related to that, but that moment jo aap hit kar rahe hain aur wo kitna crisp tha, kitna critical tha situation, but still you did that, to wo experience kaisa raha aapke liye? एक्सपीरियंस बड़ा नर्वस एक्सपीरियंस रहा. इनफैक्ट जब ये फिल्म मेरे पास आई थी मैं पहले से ही घबरा गया था, क्योंकि मैंने सोचा कि जिस परवरिश से मैं आता हूँ और जो अपब्रिंगिंग है मेरी, उस हिसाब से तो हमने कभी लड़कियों को प्रोटेक्ट ही किया है, कभी लड़कियों के साथ मारधाड़ नहीं किया है, तो आई नेवर न्यू कि मैं ये रोल कैसे कर पाऊँगा. बट इतनी खूबसूरत कहानी थी, इट वॉज गोइंग टू बी माउंटेड इन अ वे एंड इट वॉज बींग लेड बाई अ फीमेल एक्टर एंड आई ऑलवेज सपोर्टेड यू नो वुमेन सेंट्रिक फिल्म्स एज वेल, विच आई शुडंट से दैट वर्ड वुमेन सेंट्रिक बिकॉज आई थिंक टुडे दैट लाइन शुड नॉट बी ड्रॉन. आई थिंक दे हैव प्रूव्ड टाइम एंड टाइम अगेन. मगर एक बड़ी बजट फिल्म यू नो विद सो मच रिस्पॉन्सिबिलिटी बी गिवन, आई फेल्ट इट वॉज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो. और जब कंगना के साथ एक्शन करना पड़ा मैं थोड़ा नर्वस था, बट शी वॉज फैंटास्टिक. शी इज़ वेरी एजाइल, शी इज़ गॉट ग्रेट मेमोरी, शी इज़ वेरी कॉशियस एंड ये वाज ब्रेकिंग वाला जो सीन था, शी कुड हैव इजीली गिवन इट टू अ डबल और समबडी टू डू इट, क्योंकि इट्स डेंजरस यू नो. हम एज एक्टर्स ऑल्सो हम yes, नहीं sir. करते क्योंकि कट वट हो गया चेहरे पे, पता नहीं क्या हो सकता है, बट शी सेड नहीं मैं ही करना चाहती हूँ. And we did it once and it didn't work that well, and wow. She was brave enough to do it the second time. So but flawless. My hands were trembling like this when I was doing it. I was not Rudraveer anymore. So but yes, I mean hats off to them, and they've done a fantastic job, and I think it's been very clearly being seen today, and that's the uniqueness of it. Crazy, sir. Flawlessly done by all of you once again, I need to say that. So here we have question. I'm requesting my media members to please take one by one question. That's it. I request, please ask question related to the movie. I'm requesting once again everyone. Please go ahead. Ma'am, like it's
लाइक हॉलीवुड टाइप ऑफ मूवी बिल्कुल है, ऐसा ही फील आ रहा है. तो इसमें बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्जर्शन होता है, जैसे आपने बताया कि इसकी आपने स्पेशल ट्रेनिंग ली थी. सो हाउ वाज़ एक्सपीरियंस? और बहुत चोटें लगती हैं इस तरह की मूवी में जब हम करते हैं, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस था उसमें? देखिए, सबसे पहले तो ये कोई हॉलीवुड टाइप फिल्म नहीं है, क्योंकि क्योंकि मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि टेक्निकली साउंड फिल्म है, बहुत ही ज़्यादा फिनांस से बनाई हुई है, तो शायद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की लगती है. लेकिन ये बहुत ही भारतीय फिल्म है, मेड इन इंडिया फिल्म है. और अगर आप देखें तो कहानी भी बहुत ही रस्टिक है, ज़मीन से जुड़ी हुई है. कोल माइंस की कहानी है, इंटरपोल एजेंट है, लेकिन सरकारी दफ्तरों में इनके पूरे दिखाते हैं. ऐसा कोई मतलब फैंटेसी वर्ल्ड नहीं क्रिएट किया हुआ है, तो वो आप फिल्म देख के समझ जाएंगे. लेकिन बिकॉज टेक्निकली साउंड फिल्म बनाई है, तो इंटरनेशनल अपील इसका लग रहा है. बाकी ये फिल्म में ऑफकोर्स मेरे को मणिकर्णिका के टाइम पे भी यहाँ पे 15 स्टिचेस लगे थे, माइक्रो स्टिचेस, और मेरा फ्रैक्चर भी हो गया था. तो इस फिल्म में भी मुझे एक्चुअली कोविड हुआ था, कोविड डेल्टा वेरिएंट के बाद मैंने इसमें एक्शन सीक्वेंसेस किए थे. तो ठीक तो हो गए थे, लेकिन रिकवरी उसकी सबके लिए अलग रही है. यू नो, कभी यहाँ पे मतलब नेक बिल्कुल वो हो जाता था, कभी बैक, थोड़ा भी कुछ एक्जर्शन हो तो शरीर का कोई ना कोई पार्ट बिल्कुल क्रैश हो जाता था और आप बिस्तर पे चले जाते थे वापस. तो इस तरह के कुछ चीज़ों से जूझना पड़ा, क्योंकि हमेशा एक्टर्स क्या होते हैं ना, देर यूज टू डूइंग सीन्स इमोशनली, देर यूज टू डूइंग थिंग्स, लेकिन फिजिकली हमेशा हर एक्सप्रेशन के लिए आपको अपनी पूरी फिजिकैलिटी को यूज़ करना, पूरे शरीर को यूज़ करना, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट था. बट आई होप आई गेट टू डू मोर फिल्म लाइक दिस, और मैं फिट ही रहूँ, शेप में ही रहूँ, और मुझे इतनी मुश्किल ना आए. नेक्स्ट, एनीबडी एल्स? हाय कंगना, दिस इज नीरू फ्रॉम दैनिक सवेरा. रिवॉल्वर रानी और धाकड़, कितना डिफरेंस है और कितना याद किया उस फिल्म को भी आपने? वो एक्शन फिल्म नहीं थी, वो एक सटायर थी, पॉलिटिकल सटायर था वो. और दैट फिल्म वाज मतलब पता नहीं वो जान मतलब वो आई वैसे कि नहीं, पर इट वाज अ डार्क ह्यूमर, डार्क कॉमेडी थी वो. तो उसमें तो एक्शन था ही नहीं बिल्कुल भी. अगर होगा भी तो एक दो शायद गन वगैरह की पोजिंग ही होगी. तो वो एक डार्क कॉमेडी थी और ये एक एक्शन थ्रिलर है. एनीबडी एल्स? आई रिक्वेस्ट यू हैव प्लीज रेज योर हैंड. यस मैम. कंगना, अभी तक आपने हर तरह का रोल कर लिया, नेक्स्ट क्या प्लानिंग है, किस तरह का आगे दिखना चाहते हो दर्शकों को? वेल, आगे भी मैंने कुछ फिल्में साइन की हैं, जिसमें एमरजेंसी करके एक फिल्म है, फिर एक दिन कार्नेशन सीता करके एक फिल्म है, और बाकी भी कुछ अनाउंसमेंट्स होंगी तो आपको उसके बारे में भी अपडेट किया जाएगा. एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम अर्जुन सर? प्लीज. हाँ, हमारे जो भी कैरेक्टर होते हैं उसके साथ में आपको पानी, हमारे जो भी किरदार होते हैं उनमें कोई ना कोई चीज़ तो होती है जिससे हम रिलेट करते हैं, या जिसको हम कह सकते हैं कि नहीं, वो चाहे कोई भी हो, या क्वीन में हो, या पंगा में हो, या थलाइवी में हो. तो वैसे ही इस किरदार में जो एक बहादुरी है, ऐसा नहीं कि मैं रियल लाइफ में ऐसे 40-50 लोगों को मार सकती हूँ, लेकिन लेकिन जो एक बहादुरी है उस कैरेक्टर की, मैं कहूँगी कि मैं भी काफ़ी बहादुर हूँ. एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम दिव्या मैम? I think it is, I've seen the huge hits, I've seen big disasters, okay, and it's part and parcel of the game. Every film teaches you something.
So as an actor, what you can do for me, at least in my experience of 20 years in this industry now, is be as honest as you can to the film. And that's what I try to do. And walk out of there feeling satisfied. If I feel satisfied about the film, 90% of the times those films work very well at the box office also. Because it's made from the right space, it's made with a good heart, and you know, there's a lot of honesty in those kind of films. And I think Dhakar is definitely one of those films where I've walked out feeling extremely satisfied. Wish you all the luck. Arjun, I have a question for you. Hi, this is Sahil from Stylish. Hi. Yeah, so Arjun, if we just talk about the movies which you did earlier, like, so you were mostly seen in the negative roles these days. Earlier, you were into some positive roles as well. So how been like a big change to negative roles and getting fame in that? So how do you feel like getting fame in negative roles? I think the people like me to see me in different kinds of parts. I think the parts that you look most convincing in, the parts which kind of you're remembered for. I prefer parts which are not black or white. I prefer them where they are more real, because I think we all have good and bad in us, each and every one of us. And I like to explore both those qualities in a character. But obviously, I lean more towards the good than bad. So I have another question for all three of you, if you don't mind, because this is something like which we all have faced today here. I guess all of you, when you're doing shootings, you never get late and offend times on your shoots, right? You be punctual on your shoots, correct? If I'm not wrong. But today we actually kept on waiting for like 1 hour or 1.5 hour outside there, and we all were waiting up for all of you. Just the thing was, there were one-to-one sessions going on. So this is the thing which we have faced today, standing outside, and we kept on waiting. I don't know what was the reason why, but this happened with all of us. I hope everybody has some good respect. Even you people have respect the same way we do have. Sorry if you had to wait. Yeah. I mean, we were given a schedule and a time that we were following. So I think that is something which we come on time according to us. And if we got delayed by a little bit, I'm really, really sorry. And I hope we made up for it in this press conference. भी जो हैं वो ऑर्गेनाइजर्स के अपने उनको भी आप दोष नहीं दे सकते उनके भी अपने जो भी ऑब्स्टिकल्स होते हैं पर आई होप आप लोगों को जो चाहिए था हम लोग सब सवालों का जवाब देकर ही यहाँ से जाएंगे दिव्या मैडम मेरा सवाल है तुम सवाल नहीं तुम्हारा एक्सपीरियंस देखना है क्योंकि जी माँ फिल्म तुम की है उन्होंने बहुत सारा प्यार मिल रहा है माँ तो धाकड़ तक का सफर जोड़ा वो कहा जा रहा एक्सपीरियंस की है बहुत वधिया रहा जी सब तो पहला तो सारियां नू बहुत बहुत प्यार देना चाहवागी कि माँ नू इन्ना प्यार मिलया बहुत साल बाद मैं एक पंजाबी फिल्म की थी उन्होंने इस तरह का रिसेप्शन मिलया आई फील्स रियली ग्रेट इट फील्स बैक टू द रूट्स एंड उस तो बाद धाकड़ वर्गी फिल्म आ रही है जिथे बिल्कुल नैगेटिव रोल है तो वधिया लगता है कि एक एक्टर नू अज ते जड़े मौका हैगा इन्ने वक्रे वक्रे रोल करन दा मौका मिल रहा है अलग अलग लुक्स अलग अलग रोल अलग अलग किरदार अलग अलग बॉडी लैंग्वेज करके चंगा लगता जब घरें जानी है बहुत मिठी नींद आती है कि चंगा लग गया लोगों का प्यार भी बरकरार थैंक यू वेल थैंक यू सो मच मीडिया मेंबर्स आई एम रिक्वेस्टिंग यू गाइस टू प्लीज स्टैंड अप एंड जस्ट कन्वे द मैसेज वन मोर आई हैव वन क्वेश्चन डेफिनेटली मैंने अभी भी जैसे एक तमिल की फिल्म की है और मेरे पास एक रोल आया था एक सरदारनी का रोल आया था जो कि एक फ्रीडम फाइटर रह चुकी हैं तो वो भी एक फिल्म है उस तरह की मैं कोई फिल्म पंजाबी में भी या पार्शली हिंदी में बने जिस गिल है तो उसमें भी थोड़ा पंजाबी है लेकिन वो पंजाबी फिल्म नहीं है आई बिलोंग टू अ पंजाबी फैमिली दैट्स इट लेकिन जैसे तलाईवी थी कुछ जिसमें एक बैकग्राउंड वैसा हो और वैसा कुछ सोच सकते हैं और जैसा आपने कहा कि पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री इतने बड़े लेवल से ऊपर आ रही है अभी सो एज अ प्रोड्यूसर मैं डेफिनेटली पंजाबी फिल्म बनाना चाहूँगी कंगना मैम आई हैव देखिए पंजाब में तो मुझे लगता नहीं कि मेरे लिए एक्सेप्टेंस में कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए
क्योंकि मेरा जो मैंने हमेशा ही मैं पंजाब में पढ़ी हूँ पढ़ी बड़ी हूँ और मैंने इनफैक्ट अभी कुछ फ्लैट भी खरीदे हैं यहाँ पे, इन्वेस्ट भी किया प्रॉपर्टी में, तो हम हिमाचलियों के लिए चाहे चंडीगढ़ हो चाहे पंजाब हो ये घर ही है. और हमारे जो इनफैक्ट फ्रीडम से पहले तो हम भी पंजाबी थे, ये 47 से पहले मंडी का एरिया भी पूरा पंजाब में ही आता था, तो मुझे पंजाब से कोई दूर नहीं कर सकता है. और बाकी जो जितने भी उपद्रवी होते हैं वो चाहे कितनी उपवाए फैलाए चाहे कितने भी वो करे, लेकिन जो लोगों का दिल है वो दिल की बात वो समझते हैं और उनके दिलों में से मुझे कोई नहीं निकाल सकता, इस बात का मुझे पूरा यकीन है. कंगना, यू ऑलवेज हैड दिस यू नो शिकायत कि बॉलीवुड की तरफ से आपको सपोर्ट नहीं मिला है, और कल अभी सलमान खान जी ने आपका ट्रेलर जो है वो ट्वीट किया तो आपको बहुत खुशी भी हुई है, तो अभी आपको लग रहा है कि बॉलीवुड में एक्सेप्टेंस धीरे धीरे हो रही है? डेफिनेटली आई वॉन्ट मोर पीपल, जैसे सलमान जी ने मुझे सपोर्ट किया, मैं हमेशा ही सबसे पहले चाहे वो फिल्म RR हो या चाहे वो कश्मीर स्टोरीज हो या चाहे वो शेर शाह, कोई भी फिल्म हो, मैं कभी भी किसी अच्छी फिल्म की तारीफ करने से चूकती नहीं हूँ. या तो कोई फिल्म हो महिला मिमी जैसी कोई फिल्म हो महिला प्रधान, उनको उत्साहित करने से या एनकरेज करने से नहीं चूकती हूँ. तो मैं चाहती हूँ मुझे भी वैसा ही इनकरेजमेंट मिले, किसी तरह की इनसिक्योरिटी या किसी तरह से यू नो गैंग अप होके मुझे ना नुकसान किया जाए. और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ सलमान जी की जिन्होंने मेरी फिल्म को और मेरी पूरी टीम को सपोर्ट किया. वो जो पहले आप कह रहे थे, थैंक यू सो मच, आई रिक्वेस्ट, एक मिनट बोलिए. देखिए अगर आप इस चीज़ की एक्टिविटीज़ जो हैं वो चाहे हो चाहे जिस तरह से भी, चाहे वो राजनीति के तवे पे राजनीति की रोटियां सेकी जाए या जो भी की जाए, लेकिन जो भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हो रही हो देश में, चाहे वो जिहाद हो चाहे वो खालिस्तान हो चाहे वो किसी भी तरह की कोई भी क्रिमिनल मर्डर रेप्स हो रहे हों, उनसे जो है वो लॉ एंड ऑर्डर को डील करना चाहिए. और हम एज एक नागरिक होने के नाते हम यही कह सकते हैं कि सरकार को इसके प्रति कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए. मैम जिहड़ा किसान अंदोलन चलिया सी उहदे करके कोई मतलब पंजाब विच एक्सेप्टेशन जिवें कह रहे सी तुहानू एक्सेप्ट करनगे पंजाब दे विच, जिवें किसान अंदोलन करके थोड़ा जिहा होया सी? सॉरी मैं किसान अंदोलन दे विच मीडिया तुसीं काफ़ी मतलब अलर्ट रहे सी, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਵੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਰ? ਆਈ ਆਲਰੇਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਯੂ ਟੂ ਪਲੀਜ਼ ਆਸਕ ਕੁਐਸਚਨ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਮੂਵੀਜ਼, ਇਟਸ ਅ ਰਿਕੁਐਸਟ, ਇਟਸ ਅ ਹੰਬਲ ਰਿਕੁਐਸਟ. ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਕੋ ਇੰਡੀਆ ਸੇ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਤਾ ਹੈ. ਔਰ ਯੇ ਮੇਰੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਯੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਹਮਾਰਾ ਜੋ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਹੈ ਉਸਮੇ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਹੈ. और चाहे ये सब अफवाहें हर एक जगह की उठती रहती है, कुछ लोग चाहे हिमाचल में चाहे बंगाल में चाहे कहीं भी उठ के चाहे चार लोग शोर मचाना शुरू कर दें कि हमें अपना देश चाहिए अपना देश चाहिए, तो इसका मतलब थोड़े ना हुआ कि उनको एक यू नो एक अपने शरीर का हिस्सा काट के दिया जा सकता है, तो कोई अपना बाजू या सर काट के थोड़ी किसी को दे सकता है. उसी तरह से चाहे पंजाब हो चाहे तमिलनाडु हो चाहे हिमाचल प्रदेश हो, कोई हिस्सा काट के ऐसे नहीं दिया जाता है. तो लेकिन जैसे मैंने कहा ये जो उपद्रवी हैं ये सब इंटरनेशनली फंडेड टेररिज्म है, और इससे किसी की भी जिसे मैंने कहा यू नो इनको ना किसी ना पंजाब की ना हिमाचल की जो भी साधारण मानवीय हैं उनकी कोई सपोर्ट नहीं है. मेरा यही मानना है और मेरा यही मानना है कि हम सब भारतीय हैं और हम सब अखंड भारत चाहते हैं. कंगना आप हिमाचल से हैं, हिमाचल में लंबे टाइम से फिल्म सिटी की बात की जा रही है, उस पर आपका क्या वो है? और इसके अलावा मंडी में कहीं ना कहीं आपका नाम आ रहा है कि शायद आप राजनीति में आएंगे, तो क्या ये सही है या नहीं? नहीं नहीं मैं राजनीति में नहीं आ रही हूँ फॉर श्योर, और मैं हमेशा देश के हित में बात करती हूँ, तो उसके करके लोगों को शायद लगता है मेरा राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं है. और मेरी बैक टू बैक फिल्में आ रही हैं और मैं बहुत खुश हूँ कलाकार बन के, और मुझे जो भी ज़िंदगी में चाहिए वो सब मुझे एज एन आर्टिस्ट, मैं अभी लोक सेवा के लिए तैयार नहीं हूँ तो मैं राजनीति में नहीं आ रही हूँ. और फिल्म सिटी, आई थिंक अगर हिमाचल में फिल्म सिटी बने तो बहुत ही अच्छा रहेगा,
तो वो तो आपको सिर्फ वहाँ के चीफ मिनिस्टर ही बता सकते हैं क्या उसका स्टेटस है. थैंक यू. आई विल टेक अ पिक्चर. आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज फॉरवर्ड एंड व्हाट अबाउट बादशाह. AP Dhillo. Yes, he's very good. I like his music and Badshah. पहले तो हमारे बादशाह ही बादशाह हैं and then बाकी सब आएंगे. देखिए मैं जब छोटी थी तो मैं यहाँ पढ़ती थी तो मैं गाना बहुत सुनती थी. ए जो सिल्ली सिल्ली आंदी है हवा किथे कोई रोंदा होवेगा. यादा मेरे वांग सीने नाल ला किथे कोई रोंदा होवेगा.